হ্যালো, নমস্কার। সুপার হিটস 93.5 রেড এফ এম, মই আর জে ম্যান্ডি, আর সকলকে মই স্বাগতম জানাইছো মোর এই ভিডিওটোত। ভেল, আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা বিভিন্ন বিষয় লৈ চর্চা করে আহিছো, আর আজিও ঠিক এটি বিশেষ কথা লৈ চর্চা করিবলে মই আমার আজির গেস্টক আমন্ত্রণও করেছো। এন্ট্রেন্স এক্সাম হোক বা বিভিন্ন আমার কম্পিটিটিভ এক্সামস সমূহ হোক, সেই সমূহ পোস্টপন হওয়ার লগে লগে, ক্যান্সেল হওয়ার লগে লগে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার মনলে আহিছে। গতিকে প্রিপারেশনের পৰা আদি করে কিদরে নিজের অফলাইন অনলাইন ব্যালেন্স আমি মেইনটেইন করব পাৰো, কেনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশনস বা সাজেশনস আমার দরকার, এইখিনি গোটেই কথা পাতিবলে আজি আমন্ত্রণ করে আনিছো এগৰাকী বিৰাটি বেছি স্পেশাল গেষ্টক। আজি মোৰ সৈতে থাকিব আমার গেষ্ট মিষ্টাৰ অক্ষয় কুমার, তেখেত বিটেক from IIT Guwahati, Faculty for Physics and Mathematics. They get Vice President, R&D, Mentor, Physics and Mathematics at Lalan Coaching Classes, aru LIA. Aru they get our experience hold 12 years of experience of teaching and motivating students. Good to hear. I'm a screen up. They get our welcome guru. Akshay ji, bahut bahut namaskar aur aapka swagat hai hamare aaj ke is video mein. तो अक्षय जी, सबसे पहले हमारा आज का सवाल ये है कि पेंडेमिक के चलते हुए इस पार्शियल लॉकडाउन में आप टीचर्स की जो दिक्कतें हैं वो काफी सारी देखने को मिल रही है, और आपका जो रोल है एज अ टीचर वो भी काफी चेंज हो चुका है, तो उस बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले से क्या है कि टीचर्स का रोल काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है कि एक तो नया कुछ है ये ऑनलाइन का जो हम लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल नया सेटअप है, तो इसके साथ मतलब बहुत लोगों को मतलब थोड़ा सा एडजस्ट भी होना पड़ता है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। ये ऑनलाइन में थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा लोग आपके सामने नहीं बैठा हुआ है, ऑनलाइन में मोबाइल के पीछे बैठा हुआ है, तो आपको क्या है कि सारा सिलेबस टाइम पे खत्म करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। साथ में क्या है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए बच्चा लोग का, तो मतलब हर एक बच्चा का डाउट क्लियर करते हुए टाइम पे सिलेबस खत्म कराना, उसका डाउट बताना, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ये सबसे बड़ा चैलेंज। नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग उसको रिजॉल्व कर रहे हैं थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। दूसरा सवाल ये है कि जितने भी हमारे कंसर्न्स हैं, काफी सारी ऐसी दिक्कतें जिनके बारे में आपने अभी हमें बताया, तो उनको सॉल्व करने के लिए गार्जियंस की प्रॉब्लम्स हो या फिर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो, तो किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं या फिर कैसे सोच विचार हो रहे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। अभी क्या है, अभी कनेक्शन का समय है एंड बीइंग कनेक्टेड रहने का समय है। तो सबसे पहले आप जो भी हम लोग मतलब डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर, वो बच्चा उसको कॉन्फिडेंस में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्या है, क्लास के बाद इनपुट लेना गार्जियन से, बच्चा से फीडबैक लेना, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बिल्कुल नया चीज है, ये तो नहीं है। सैटेलाइट प्रोग्राम हमारा पहले भी होता था, बहुत सारा कोचिंग ऑफर करता था सैटेलाइट प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अननोन था ये कॉन्सेप्ट, है ना। लेकिन फिर भी मैक्सिमम बच्चों के लिए अननोन था, मैक्सिमम बच्चा इसके साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, अभी भी बहुतों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि उनको फीडबैक उनका लेना, उनको कॉन्फिडेंस में रखना, ये खाली स्टडी का ही नहीं, लाइफ का भी, बहुत लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। टीचर्स का क्या है, बहुत सारे टीचर्स ऐसा थोड़ा ना खाली बच्चा को ही प्रॉब्लम आ रहा है ऑनलाइन, ऑनलाइन में तो हमारे टीचर्स भी सफर कर रहे हैं, जितना भी प्राइवेट टीचर्स है, प्राइवेट कोचेस हैं, उनको बहुत तरह का समस्या आ रहा है, मेंटल इशू आ रहा है, फाइनेंशियल इशू आ रहा है। और एक सवाल मेरा अब आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, काफी सारे अभी स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो लोग तैयार हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पोस्टपोन होते गए, कुछ कैंसिल हो गए, तो अभी जैसे उनमें एक वो जो मोटिवेशन था वो थोड़ा सा लूज हो गया है कि हाँ चलो ठीक है, एग्जाम होगा, पढ़ लेंगे। अनसर्टेनिटी, जी बिल्कुल, तो वो रेस जो फास्ट पेस पे था वो शायद थोड़ा सा कम हो चुका है, तो उस बारे में किस तरह से आप उनको बेस्ट वे जो है खुद को ग्रूम करने के लिए इस टाइम का फायदा उठाने के लिए आपका सोल्यूशन या सजेशन? बहुत बड़ा इशू है ये। आपको मतलब कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और आपके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जी आप बिल्कुल किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम कब हो। देखिए, होना तो है, बिल्कुल होना तो है, ये तो एकदम फिक्स बात, ये हम लोग लास्ट ईयर भी देखा, इस साल भी देख रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन नीट और जेई होगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट और गार्जियन के मन में ये डाउट है कि नीट या जेई कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या करना है, ये जो मंत्र है कि एग्जाम होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या है, 99% स्टूडेंट्स का, 1% स्टूडेंट तो है ऐसा कि समय से पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं। और ये जो आपको एक्सटेंडेड ड्यूरेशन जो मिल रहा है,
एग्जाम का, 2-3 महीना 4 महीना, इसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है जिनका सिलेबस नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कहने के लिए 2 साल का सिलेबस है 11-12। हम ही लोग जैसे ग्रूम करते हैं बच्चा को, तो क्लास 9 से ही ग्रूम करते हैं, वही बच्चा आगे जाके सिलेक्ट होता है, वही बच्चा आगे जाके अच्छा रैंक देता है। तो आपको 2 साल का सिलेबस, इनफैक्ट अगर हम सही से बोले कि जेईई और नीट का सिलेबस 2 साल का नहीं है, ये 3 साल का सिलेबस है। अगर आप सही से अगर पढ़ाई करेंगे उसको, उसके मतलब एक एक टॉपिक बढ़िया से क्लियर करेंगे, उस पर डाउट सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, तो आपको कम से कम 3 साल लगेगा। तो अगर आपको ये 3-4 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? बस आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना है और ये चीज ध्यान में रखना है कि एग्जाम होगा। और एक बात अक्षय जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडीज के बीच का जो बैलेंस है वो स्टूडेंट्स किस तरह से मेंटेन करें? गवर्नमेंट गाइडलाइन जब तक नहीं आएगा तब तक ऑनलाइन ही चलना है, और जब तक ऑनलाइन चलना है तब तक बच्चों को ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन ही चलना है। और ये मतलब ये नहीं सोचना चाहिए अभी जैसे कब खत्म होगा, फिर थर्ड वेव आएगा, फोर्थ, कोई किसी को पता थोड़ा ना है, बिल्कुल किसी को पता नहीं है। तो आपको ये माइंडसेट रख के प्रिपेयर करना है, पढ़ाई करना है कि ऑनलाइन ही अभी चल रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, नया टाइम आ रहा है, तो आपको नया टाइम के साथ थोड़ा अडेप्ट भी करना चाहिए, थोड़ा स्क्रीनिंग के साथ अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट कंटेंट ध्यान में रखना है। जैसे ऑनलाइन का जो भी टाइम है, पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, सब लोग को प्रॉब्लम है, तो हम लोग को सबको साथ में एक दूसरे का हेल्प करके सबको रिजॉल्व करना है ना, बीइंग कनेक्टेड रहना है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका 12 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी बहुत करते हैं, तो अब आप खुद को जो है किस तरह से ढाल रहे हैं, आप किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, और ये जो एक्सपीरियंस है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? दो तरह का चीज होता है, ऑब्जेक्ट होता है दुनिया में, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है, जो ग्रो करता है जिसमें लाइफ, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक इज डेड। Right. तो ऐसा नहीं है कि बस बच्चा क्या है कि बहुत सारा बच्चा अभी प्रिपेयर कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, इस साल नहीं हुआ सिलेक्शन अगले साल सिलेक्शन होगा, या इस साल रैंक खराब आया तो अगले साल अच्छा रैंक करेंगे। सिर्फ बच्चा के साथ ये चीज नहीं है, टीचर्स के साथ भी ये चीज, टीचर्स को भी अपने आप को क्या करते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है, right. नया मेथोडोलॉजी लाना है टीचिंग का, कैसे मतलब और अच्छा मतलब हमको कराना है, बच्चा के लिए सोचना है बैठ के। हम लोग करते हैं अभी भी, हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग को बताते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है, हम लोग 2 घंटा अभी भी सेल्फ स्टडी करते हैं। और जितना भी अच्छा डेडिकेटेड टीचर होगा ना, वो सेल्फ स्टडी करेगा, पढ़ाई करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, नया नया क्वेश्चन देगा बच्चा को। अगर आप खुद नहीं ग्रो करिएगा तो किसी और को कैसे आप मोटिवेट करिएगा ग्रो करने? सही बात है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए, एंड इट वाज रियली एनरिचिंग। थैंक यू सो मच।